अंगूर की बेल यार हमने यहाँ पे सेट की थी ना, उसके बाद माशाल्लाह यार आप ये देखें अंगूर आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये अब अंगूर की ना बेल फल चुकी हुई है सही तरह। और हमने इसकी पूरी सेटिंग इस तरह कर दी थी ताकि यार अंगूर जब आए ना तो हम आसानी से बआसानी उतार सकें। घने बादल आ चुके हैं हर तरफ चारों तरफ, और फिर से बताया जा रहा है कि यार इस्लामाबाद नॉर्दर्न एरिया में बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो यार पिछले दिनों में भी बारिशें, आपको पता है कि यार अच्छी खासी एक हफ़्ता बारिशें रही हैं, तो अब से फिर से बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। पिछली बारिशों में हमारा यार अच्छा खासा नुकसान क्या हुआ था कि यार आपको पता था कि यार कुछ बच्चे मर चुके थे, कुछ कबूतर के बच्चे मर चुके थे। आज आपको ये नहीं नज़र आ रहा यार, ये हमारे दोस्त किधर है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको यार, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में मैं हूँ जाहिद, और आज अपने दोस्तों को सबसे पहले आपको लेके आया हूँ। किस लिए लेके आया हूँ कि दोस्त यहाँ पर आज क्यों हो, इधर आओ मुझे बताओ क्यों, इधर इधर आओ, आ जाओ। ये इसलिए यहाँ पर है कि यार आज इनको ना हमने थोड़ा सा तकलीफ दी है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। ये मुर्गियाँ शुरियाँ ये सारी इधर आई हुई हैं, शेरू भी यहाँ पर है और सारे यहीं पर हैं। आज इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ यार, वजह क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि हम करने लगे हैं काम स्टार्ट। तो हम यार कैसे हो आप, ठीक हो यार? दोस्त आपको मिस कर रहे थे दो तीन दिन से, किधर गए थे? बुखार हो गया था, अब ठीक हो यार? अरहम को यार दो दिन से टेम्परेचर था, तो अब माशाल्लाह अरहम ठीक है, तो अरहम अब हमारा साथ देगा। और आज मोहिब और अब ताहा किधर है यार? वो लगता है यार आज छत पे ना कहीं गुड़ियाँ छुड़ियाँ उड़ाने, क्योंकि मौसम आज धूप कम है ना, तो वो आज छत पे कहीं गुड़ी छुड़ी उड़ा रहे हैं। यहाँ पर तौकीर भाई और उनके कुछ लोग हैं हमारे साथी, और ये क्या करने लगे, मिशन ये है। अब आपको दिखाता हूँ यार, छोटा डॉन कैसा है? छोटे डॉन ने यार इसको तंग तो नहीं किया आज? ये बैठी हुई है, असल में छोटा डॉन ना यार बहुत बदमाशी करता है। ये दोस्तों यार ये काम हो चुका है हमारा स्टार्ट। यार तौकीर भाई एक साइड पे पूरा दरवाज़ा होगा और एक साइड पे जाली होगी, एक जाली जो फुल होगी उसके बीच में सेंटर में यहाँ स्पॉट होगी एक, उससे ये होगा ना कि यार कम से कम यार जाली वाली साइड ना कोई अगर बच्चा धक्का भी दे देता है ना इस तरह, तो वो टूटेगी नहीं। सही कह रहे हैं क्यों दोस्तों? यार आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अगर ये फुल पूरी जाली होती है तो अरहम इधर खड़े हो, अरहम लेट्स सपोज यहाँ पे आता है और धक्का लगता है, तो ये पूरी जाली अंदर चली जाएगी। मास्टर केज यार आज हमने साफ करवाया था। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यार सबसे पहले मैंने फीड हटवानी है, अरहम सारों के ना फीड वाले बर्तन ना ये बाहर निकाल ले। ओए माशाल्लाह अंडा आ गया, ये अंडा आ गया यार। यार वाइट कोको बैंडम पे फीड बड़ा असर करती है यार, इसने जब से फीड खानी शुरू की है, और फीड भी माशाल्लाह टका के खा रही है यार। इतनी फीड खाने के बाद एक अंडा दे दिया। हाँ भाई तुम्हारा क्या सीन है, तुमने कोई अंडा शंडा? ओए अंडा तोड़ नहीं देना यार, ये तितरियाँ जो है ना इनका मुझे डर ही रहता है। तितरियों नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैंने आप लोगों से ना कमेंट्स में पूछा था कि यार मुसलसल फीड पड़ी रहने दूँ या निकाल दूँ, तो आप लोगों ने कहा कि यार पोटे जाम हो सकते हैं, मुसलसल फीड इनको ख़राब कर सकती है, बीमार कर सकती है। दो चीज़ें होती हैं, या हम लोग इनके लिए और अपने लिए अगर आसानी ढूंढें ना, तो हम कहें कि यार ये बेस्ट है कि हम एक टाइम फीड डाल देते हैं, वो तीन दिन चलती है। लेकिन हमें आसानी नहीं चाहिए दोस्तों, हमें अपने बर्ड चाहिए, क्योंकि हम अपने बर्ड से प्यार करते हैं ना यार। तो नहीं 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 ना नहीं 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 यार ना ना दोस्त इधर इधर। तुझे मैंने कितनी दफ़ा समझाया कि हर एक के साथ ना हर दफ़ा बदमाशी करता है और फिर खुद ज़ख्मी होता है। मार रहा है ये अरहम को, मार रहा है यार दोस्तों यार, ये बदमाशी कर रहा है, कौन है? हाँ भाई निकाल जरा, मैं देखता हूँ अब तेरे से बदमाशी करता है, कर रहा है। अब देख अब आगे नहीं आया ना, हिम्मत नहीं हुई ना। पहले मैं भी मार खाता रहूँ, इतनी इतनी मारें खाई हैं कि आज भी आपको ये नज़र आ रहा है ये ज़ख्म, ये नए नए ताज़े ताज़े बड़े ज़ख्म मैंने खाए हैं। और वजह क्या थी कि इनसे प्यार करता हूँ इसलिए, लेकिन बच्चों के लिए ना डेंजरस है। अभी इनको पानी छानी डालना है, ये वाला पानी नहीं पियो, आपको मैं फ्रेश पानी छानी देता हूँ। उठाओ लेके आओ, लेके आओ इसको, हमने इसका अंडा चेक करना था, ये बाहर ही आ गया बदमाश। नहीं यार अंडा नहीं है इसका जी। हाँ जी अजाने दे रहे हो, क्या हो गया, कौन याद आ गया? हाँ जी तुम ठीक हो? यार दोस्तों आपको पता है दो दिन पहले ये बड़ी बीमार हो गई थी, तो अब माशाल्लाह एक्टिव है। ठीक है कोई अंडा शंडा दिया कि नहीं दिया? एक तो बल्ब भी सारा हमारा नए चेंज होने वाले हैं, इसने भी अंडा नहीं दिया यार। अंडा सिर्फ वाइट बेंटम दे रही है और किसी ने नहीं दिया। सिल्वर स्प्राइट, तेरा मुर्गा बाहर आ गया। अब हम तसल्ली से ना इसका अंडे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अंडा शंडा भी है, सिल्वर स्प्राइट का भी कोई अंडा नहीं है। चल भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, चलो चलो चलो। ओए मैंने इसको अंदर करना था, ये तीनों बाहर आ गए, पकड़ो। अरम अरम आराम से हेल्प कराओ, आराम से। चलो जी अब इसको बंद कर दो, हमने बंद करना इसलिए ज़रूरी होता है कि मौसम है ख़राब, बारिश है, तो कोई पता नहीं यार अब इनको ठंड ठंड ना लगे, तो दो तीन तीन दिन हमें फिर मज़ीद एहतियात करनी है। ये अभी अपने बच्चे को छोड़ के आई है ये वाली, और बाहर क्यों आई है कि जाहिद भाई आ गए और मुझे फ़ौरन से फीड देंगे। ये भी अंदर से चोगा कबूतर है, फीड के लिए बाहर आया हुआ है। वो देखें यार सबसे मज़े की बात जो है ना, ये प्लम हेड, ये प्लम हेड ने यहाँ बैठना शुरू किया ना, सबसे अच्छी बात ये। लेकिन यार एक चीज़ तो यार समझ नहीं लग रही कि इन प्लम हेड या इन कॉकटेल
मैं से यार मैं किसको ये सुलह सफाई पे लेके आऊँ यार। दूसरा तीसरा दिन है ये इधर इधर ये कब्जा करना चाह रहे हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था ना ये वाला पेयर ब्रीडिंग के लिए रेडी है। प्लम हेड अलग कब्जा करना चाह रहे हैं। ऊपर से ये चीनी मिनी सारी जाजूज माजूज सारी कौमें यहाँ पे आके बैठ गई। इन कबूतरों को क्या कोई लेना देना है इनमें। अभी अभी यहाँ पर आके बैठ गया यार। तो अब इस तरह किस तरह यार चलेगा यार। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या करूँ। ये फीड मैंने इतनी इतनी डाली थी ठीक है। अब ये फीड आपको नज़र आ रही है इतनी रह गई है। ये वाला बिल्कुल खाली है क्योंकि ये बैठ था यूनिवर्सल सबके इस्तेमाल के लिए, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं। ये वाला भी देखें बहुत ज़्यादा फीड इस्तेमाल हुई है। ये फीड भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है और ये फीड भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है और ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। सिर्फ ये एक वाला था जो ब्लैक बेंटम का था ये कम इस्तेमाल हुई है। तो इस लेवल पे मैं फिल करके ना रख दूंगा सारे। उससे ये होगा कि जब मैं फिल करके रखूंगा ना फिर मैं जब आऊंगा और रोज़ के रोज़ ये रखा आधा घंटा जब इन्होंने खा लिया फिर उठा लिया तो ये वाला काम सबसे बेस्ट रहेगा इनके लिए क्योंकि ना कोई पोटे जाम हो। ओए तीनों रैबिट्स इधर आए मेरे दोस्तों, निकलो भाई अपने घर में आओ अपने घर में आओ। आज रैबिट्स ने ना फिर वही वाला काम किया हुआ है, अपना मेन ये वाला सुराख बंद किया हुआ है सारा, उसकी जगह छोड़ के ना इस जगह पे इन्होंने नया सुराख कर दिया। अब यहाँ पे एक नई सुरंग है। अब मुझे नहीं पता चलता ये सुरंग आगे से आगे से आगे से आगे कहाँ तक, इस खुडे से उस खुडे तक जा रही है क्योंकि वो आपको कल मैंने बताया था ना चौथा बबलू और बसंती के खुडे में वहाँ जाके पहुँच चुके हैं यार। बंटी दोस्तों यार बंटी को आपको एक मिनट, बंटी को मैं पकड़ता हूँ। बंटी आना यार बंटी नहीं कर बंटी पकड़ना पकड़ना। हाँ पकड़ा गया दोस्तों। यार बंटी का आपको मैंने दिखाया था ना कि बंटी ज़ख्मी हुआ था तो बंटी का अब ज़ख्म माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है। बंटी को जालिम ने इस जालिम ने मारा था इस जालिम ने तो अब ना बंटी काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है। तो यार अब हम भी खुश हैं कि बंटी को देखते हैं ना कि यार बंटी वरना हमें लगा था एकदम बंटी को ये खा गया। जापानी कोई अंडा नहीं नाराज़गी है क्या? सारे दोस्त तुमसे पूछ रहे हैं कि कोई नहीं बाहर निकलने की बहुत जल्दी है। दोस्त ये पूछ रहे हैं कोई इज्जत रख लो यार, कोई फीड की इज्जत रख लो, कोई अंडा शंडा दे दो यार। अच्छा ये बेचारी अंडा दे के करें भी क्या, अंडा दे दे के ना हमने यहाँ इनके अंडे ढेर रख लिए और अंडा अब हम करें क्या आगे। वो कह रही है हम इसलिए नहीं देते आप हमारे अंडे तो यहाँ पड़े पड़े ख़राब कर रहे हैं। तो हाँ भी हम जब आपको मुर्गी कुड़क होगी या कोई एक बेटर अच्छा आएगा तो हम अंडे देना शुरू कर देंगी। सही कह रही है ना यार, हमसे भी यार ये थोड़ी सी चूक हो रही है कि यार इक्यूबेटर जल्दी से क्योंकि मेरा अभी तक ऑर्डर मैंने किया हुआ है, इक्यूबेटर अभी तक पहुंचा नहीं। वो पहुंचे जैसे ही तो हम ये वाला काम करें या कोई जालिम मुर्गी कुड़क हो जाए ना। ये देखें यार इनका काम चेक करें। आज फिर मैं पालक लेके आया, ये सामने पालक पड़ी है देना जल्दी ले यार हम ले। आ जा आ जा। फकीर भाई कह रहे हैं कि ये मेरा ना जो काम है वो काम से हट गया, इसके चार्जेज अलग से होंगे। आओ जी यार रैबिट्स बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो यार दोस्तों अब इनकी पार्टी शार्टी ये लो बच्चे इनकी ना ये पालक वाली पार्टी भी ना हफ्ते में एक दफ़ा होनी चाहिए। इनको सारी डाल दूँ ना फिर तुम्हें भी देता हूँ यार। बंटी तुझे मज़ा आ रहा है खा ले खा ले। अच्छा बंटी खा ले। चलो चलो तितरियाँ तितरियाँ ले कर चली गई हैं वो उससे लड़ी है यार। चलो यार तितरियो तुम भी खा लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ खा लो खा लो खा लो। तितरियों को बड़ी पसंद आई है, वो आपस में लड़ लड़ के खा रही हैं यार। इनकी फीलिंग चेक करें। ओहो ओहो बर्ड भी आ गए ऑस्ट्रेलियन भी आ गए। ओहो सारे पालक शौक से खा रहे हैं भाई। यार यार मेरे तोते ज़ख्मी क्यों हो रहे हैं यार? ये देखें दोस्तों अगर आपको मैं फोकस करके दिखाता हूँ ये देखें ये वाला ऑस्ट्रेलियन नज़र आया इसकी कमर थोड़ी सी। यार क्या चक्कर है यार ये कि ब्रीडिंग के दौरान इनके बाल तो नहीं गिरते जो अंडों पे बैठे रहते हैं कि सर से उसकी कमर से सारे बाल उतरे हुए हैं। ये यार अगर जिन लोगों ने ना ऑस्ट्रेलियन रखे हुए हैं यार मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये ब्रीडिंग सीज़न में जाके इनके बाल झड़ते हैं या गिरते हैं या क्या वजह है। क्योंकि मैं कितनों को कल भी मैंने आपको एक दिखाई थी फोकस करके इनमें से कोई एक थी ये देखें इसके बाल इतने गिर चुके हुए हैं कि वो उसकी सारी कमर नज़र आ रही है। और ये इसी तरह कॉकटेल के देखें यार ये बाल गिरना कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं या ब्रीडिंग की वजह से है? और क्या हो गया और क्या हो गया? और भाई खाने दो उसको यार बबली उसको खाने दे यार उसको पसंद आई है। ओए तुम इसको ले आओ योयो को फीड डालनी है ना यार योयो को। अच्छा ठहरो ये वाली फीड नहीं योयो को दूसरी फीड देता हूँ अभी पास रखो योयो को। अरे हम इससे बहुत प्यार करता था हम इसको ना घर लेके गया था तो ये योयो उसके बाद काफ़ी बेहतर हो गया था। अब यह है कि योयो सिर्फ उड़ नहीं सकता लेकिन जिंदा है। तो अब यार जल्दी से हम इनको फीड डालते हैं उसके बाद आज तो काबू में हो ना आज तो लाख लगाया भाई पूरे मास्टर केज में। दोस्तों यार इसका राज और इसका राज था ये दोनों ना पूरे मास्टर केज में ना इसी तरह राज कर रहे थे। आज हमने ना इनको तक लाख पक्का लाख वो इसलिए कि यार बाहर ये सबको तंग करते हैं वही ना वाइट बैंडम का। चल यार इधर इधर वाइट बैंडम का अंडा ना यहाँ पे रखते हैं। ये अंडा किसी ने तोड़ दिया यार नज़र आया। अब यार ये देखें ना पड़े पड़े कुछ टूट रहे हैं कुछ ख़राब हो रहे हैं अब हम क्या करें यार। आज डेट क्या है जी? वाइट
बेंटम ठीक हो गया, वाइट बेंटम हो गया। यो इधर बैठ जाओ आराम से, इधर से बैठ के खाओ, खाना खा लो। यो खाना खा लो, बाकी फूड डालता हूँ फ़ौरन से इनको, ऑस्ट्रेलियंस को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। घर चेक करें यार, माशाल्लाह अब कितने खूबसूरत खूबसूरत यार ये हमारे। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, ये वाइट और ब्लू वाले का। ये देखें ना, मल्टी शेड सा कलर आ रहा है ये। हो 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 दोस्तों, ये देखें, एक मिनट में ठहरे ठहरे ठहरे, देखें 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 बाहर कौन आया। ये बाहर शिकारी आया, ये हमारे तोतों को ना शिकारी के लिए है। तुझे तोता खाना है, कुछ खाना है बता दे, मैं तुझे कुछ डालता हूँ, लेकिन मेरे तोतों पर अटैक नहीं करना। हाँ, मेरे तोतों पर अटैक किया ना तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भूखी नज़रों से ना देखो, आ रहा हूँ बाहर, आ रहा हूँ यार। इसको भी भूख लगी होगी बेचारी को, वो आई है इस टाइम हमें हमसे कुछ मांगती है। हाँ तो फिर भी कह रहे हैं एक तोता इसको दे दें, तो एक खोता ना दे दूँ इसको यार, इतना बड़ा वाला जो खा के यार एक दफ़ा इसको पता चले। चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हें तुम्हारे लिए डाला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो तुम भी नीचे उतरो यार, कबूतरों तुमसे मैं तंग पड़ गया हूँ यार। ये देखो यार, उधर मैंने डाला है ये। ओए हो तो कबूतर तो कबूतर है, तितरी भी कमाल कर गई। उतर नीचे नीचे उतर नीचे उतर यार, ये भी एक अजीब ही परिंदा बना हुआ मेरे लिए ये। प्लम हेड वो चार के चार कोने में बैठे हुए हैं, अब जब वो नीचे आएंगे ना तब नीचे से ये सब कुछ ख़त्म हुआ होगा। चलो भाई कबूतरों मैं तुमसे नाराज़ हूँ, चलो यहाँ से निकलो, तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो, चलो 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 चलो, शाबाश उस तरफ आराम। अब इनको इधर नहीं आने देना, ठीक है? आप इधर खड़े हो, उधर वो तोते खाएँ। आपने इधर खड़े हो जाना दरख्त के पास, ठीक है? इस तरफ ना कबूतर आए, कबूतर इस तरफ ना आए, और ये तोते जो है ना इधर बेशक जाते हैं, जाने दो। सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं, सब मैंने फिल कर दिए। अब आप ये देखें यार, एक दो तीन चार पाँच, जल्दी एक एक दो दो दो, बाकी चीज़ें छोड़ो। अब हमने ना सिर्फ और सिर्फ हमने इनको यहाँ पर ना एज इट इज़ सेव कर देना है, कि जब हमने फीड निकालनी है ना तो इस तरह इनको निकाल के ना थोड़ी देर के लिए रख देनी है। छः, अब यहाँ पर इनकी जब भी हमने ना निकालना ना दोस्तों यार, तो सबसे बेस्ट ये होगा कि हम इसी तरह ना इनको इसी तरह रख दें, और जब निकालें और इसी तरह हर एक के हर मुर्गी के आगे ना चीज़ पहुँचती रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पार्टी टाइम पार्टी टाइम। हाँ मेरे दोस्त आ गए, मेरे दोस्त इधर आ जाओ इधर आ जाओ, मैं आपको देता हूँ कोने में, अभी रुको दोस्त। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, ये लो छोटा डोन, सारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ थोड़ी सी इधर डाल दो, वो यहाँ से नहीं खा रही, वो पानी वाली खा रही है, पता है क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी सूखी है, ये गीली है। अब मैंने ना इनको ना पानी के साथ ना इस तरह डाल के रखना है। वो बिल्ली को चेक करें ज़रा, बिल्ली को चेक करें, ये देखना क्या होगा। दिखा 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 दिखा, आपस में क्या करने लगे। नहीं ओ हो हो, वो बिल्ली डर गई है। बिल्ली की भी कोशिश थी कि मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन वो बत्तखों ने कहा कि नहीं जी हम आल ही नाल हैं। अब माशाल्लाह ये देखें कितने खुशी से खा रही हैं यार, पानी वाली ज़्यादा खुशी से खाती हैं। ज़रा सी मैंने ड्राई करके डाली है, वो इन्होंने नहीं खाई, वो इनको पसंद नहीं आई। अब देखें, आ जा बच्चे आ जा, छोटे डॉन तुझे क्या मसला है, खा ले यार। ओए हमारी वो अंडे वाली डक तो याद ही नहीं रही, अंडे वाली डक का यार शुक्र है यार याद आ गई है, वरना वो कहती है मेरे से तो आज ज्यादा कर गए, भूल गए आए उसका बर्तन, क्योंकि यार यहाँ पर तोकीर भाई काम कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में ये आई नहीं बिल्कुल। उस बेचारी का मुँह भी इधर हुआ हुआ है, ये मेरा इंतज़ार कर रही थी। अब इसमें ना उसके लिए डालते हैं जो अंदर अंडों पर बैठी हुई है, ये पानी वाली खुशी से खाती हैं। अभी भी आप देखें उसको कि वो इसी तरह देख रही है, कि पीछे मुड़ मुड़ के ना कि यार कब आएँगे मुझे दाना देंगे। ये देख जल्दी से आगे, तूने मुँह उस तरफ कर दिया, मैं तुझे कैसे दूँ। चल ये ले, तुझे खाना नहीं मिला क्या, सबको तो डाला है यार। इधर अंडे इनके अंडे चाहे, एक मिनट इनके अंडे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों यार, यहाँ पर ये अंडे देते हैं रोज़, आज कोई अंडा शंडा नहीं है इनका। ये हमारा इंतजार कर रहे थे, अब फौरन से इनको मैं डालूँ। मोहिब क्या हाल है, सलाम तो कर लो यार। कोई सलाम नहीं यार, कोई बताया नहीं दोस्तों को यार कि मैं आया हूँ। किधर थे गायब? अच्छा यार दोस्तों यार, इनको दब दाना डालता हूँ ना, तो इनके जो पर फैलाने का स्टाइल है ना, आपने ये देखा, ये देखें, ये पता क्या होता है कि मेरे से पीछे हट जाओ, मेरे एरिया में आने की कोशिश ना करना। ये जो पर फैला के ना, ये देखें, ये दूसरों को ना चुनौती होती है कि यार मेरे एरिया में नहीं आना, कि मैं पर ना मुँह पर मारूँगा ये चपेड़। ये मैंने देखे उस वक्त नोट किया कि जब ये ब्लैक वाला कबूतर नहीं, ये वाला, ये जब बाहर आता था ना तो ये इसी तरह पर फैला के ना किसी को नज़दीक नहीं आने देता था। तो माशाल्लाह यार ये दो अदद बच्चे अभी भी एक्टिव हैं, सही हैं, फिट हैं। पानी को भी यहाँ पे कॉर्नर पे रखता हूँ, ताकि यहाँ से फ्री होके ना पानी छानी पी ले। मौसम अभी फिर से करवट ले रहा है बारिशों वाला, और सुनने में यही है कि फोरकास्ट ये है कि कम से कम यार तीन चार दिन या पाँच दिन फिर से बारिशें आ रही हैं। तो यार दोस्तों यार, इन बारिशों के साथ भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और आप लोग भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ़ौरन से, लास्ट में ये मेरा कहना और मानना आपका काम है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगा इंशाल्लाह।